नई में शिवसेना बेलापुर विभाग की तरफ से शिव सैनिकों के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए और खासकर व्यक्तित्व कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण शिविर 10 दिनों तक चलाया गया। जिला प्रमुख विठल मोरे साहब की संकल्पना थी, जिसको लेकर आज तकरीबन 60 से ज़्यादा शिव सैनिकों ने उस शिविर में प्रशिक्षण लिया है। क्या खास वजह रही इस प्रशिक्षण शिविर को आयोजित करने के लिए, कितना फ़ायदा हुआ, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, 10 दिनों का प्रशिक्षण शिविर और 60 से ज़्यादा शिव सैनिकों ने प्रशिक्षण लिया, कितना आप उसको प्रभावी माने? शिवसेना के तरफ से बेलापुर विभाग के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को ये वक्तृत्व कौशल्य शिविर ये करना जरूरी, इसके लिए मैं समझा कि अभी इलेक्शन सामने हैं और ऐसे वक्त पर हम लोगों ने पिछले 6-7 साल में नवंबर में जो काम किया है, वो काम लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे पास जितना भी वक्ता होंगे वो कम रहेंगे। क्यों? अभी यहाँ पर बहुत ही इलेक्शन में पैसे का उपयोग करने वाले लोग सामने हैं, हम लोग पैसे वाले में नहीं हैं। और ऐसे वक्त में शिवसेना ने जो भी काम किया पिछले 2.5 साल से, हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे उन्होंने राज्य के लिए काम किया, वो काम हमारे नवंबर तक पहुंचा है। ये सब काम लोगों तक पहुंचाने के लिए हमको अच्छा बोलने के लिए आना जरूरी है, और इस ये मकसद से हमने सोच समझकर ये शिविर रखा है। जिस तरह से प्रशिक्षक इसमें आपने आमंत्रित किए थे, जैसे नीलेश चौहान जी हो गए, जितेंद्र पवार जी हो गए, और जो टीम थी पूरी, टीम का जो प्रशिक्षण था वो कितना असरदार रहा शिव सैनिकों के ऊपर? जो पदाधिकारी हैं तो खासकर जो लंबे समय से काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें बोलने नहीं आता था, आज उन्होंने अनुभव साझा किया, आपको कितनी संतुष्टि मिलती? मैं इसके लिए पूरा संतुष्ट हूँ। रही बात जो प्रशिक्षक मिस्टर नीलेश चौहान, मिस्टर जितेंद्र जी पवार और निकिता जी पाटिल, इनका सब जो पढ़ाने का या वो जो प्रशिक्षण शिविर के लिए उनका जो तजुर्बा है वो देखकर ही मैंने अरेंज किया, और उसका रिजल्ट आज ये सांगता शिविर में मिला। जो लोगों को माइक के सामने खड़ा रहना मुश्किल था, ऐसे लोगों को आज रोकना पड़ा बात करने के वक्त, भाई आप रुकिए, तो इतना उन लोग में जो चेंजेस हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, इससे मैं पूरा संतुष्ट हूँ। आपने एक दुख भी जताया कि इसमें युवा सेना की सहभागिता ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन कम हुई, क्या इसके लिए आगे प्रयास किया जाएगा कि अगला जो प्रशिक्षण शिविर हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा सैनिक शामिल हो? नहीं, इसमें जो मैं बोला वो सही है। मैं समझता था भाई युवा सैनिकों ने ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है, लेकिन जैसे भी हम देखा ये पूरे कुछ 65 लोगों में करीबन 10 लोग ही उसमें पार्टिसिपेट कर सके। अभी उसका कारण मैं ढूंढ रहा हूँ, उसका कारण तो ये मुझे लग रहा है कि उनके मन में ये ज़्यादा भीड़ है, भीड़ मतलब वो जो हम समझते हैं कि वो उनको एक डर है, वो डर अभी निकल जाएगा और वो दोबारा वो सब अगले शिविर में वो पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन हमें इसका पूरा विश्वास ये होना चाहिए कि हमारी जो युवा सेना अगर इस शिविर में पार्टिसिपेट करेगी तो हमें आगे के लिए रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। जो लोग पार्टिसिपेट किया वो सभी अनुभवी थे, उसमें एक्स कॉर्पोरेटर थे, वो हमारे शिवसेना के अच्छे लीडर थे, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अच्छा लीडर या अच्छा रिजल्ट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला। इसके लिए मैं एज ए जिला प्रमुख इस शिविर से बहुत ही खुश हूँ। मुझे जो मेरा मेन मकसद है इलेक्शन के लिए मुझे अभी कोई डर नहीं है। क्यों? हमारी पार्टी की जो भी धारणाएं हैं, जो भी हमारी कार्य पद्धति है, वो लोगों तक पहुंचाने में और हमने जो काम किया, हमारी पार्टी ने जो काम किया है वो लोगों तक पहुंचाने में हम बहुत ही आसान रहेगा हमें, और ये हमारा इस शिविर में फ़ायदा हुआ है समझ लो। एक आखिरी सवाल सर, जैसा कि उम्मीद की जा रही है कि इस तरह से ये पहला प्रशिक्षण है जब इतनी बड़ी संख्या में जो शिवसेना पदाधिकारी हैं उसमें शामिल हुए हैं, और एक उम्मीद जो सबसे बड़ी अभी जगी है कि आने वाले समय में जो शिवसेना सरकार के जो महाविकास आघाड़ी सरकार का कामकाज है वो जनता के बीच में जाएगा और संगठन की जो खूबियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, वो जनता के बीच में अच्छी तरह से पहुँचाने में मदद मिलेगी और इसका फायदा आने वाले चुनाव में जीत के रूप में शिवसेना को मिलेगा। ये तो पक्की बात है,
हमने ये सब शिविर करने का कारण जो वक्तृत्व कौशल्य शिविर है, ये सब सोच समझ कर ही किया है। क्यों, आज की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में शिवसेना के अलावा जो बाकी लोग काम करते हैं वो आप ढूंढना पड़ेगा, लेकिन शिवसेना का ऐसा नहीं, हर जगह आपको शिवसैनिक दिखेगा। क्यों, वंदनीय बालासाहेब ठाकरे ने यही हमें सीख दी है कि जिधर जिधर आपकी ज़रूरत है उधर आप खड़े होना चाहिए, आपके कंधे पर जो कोई विश्वास से अपना सर रखता है उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। ये बात बालासाहेब जी ने हमें सिखाया है और उसका ही हम पूरा पीछा करके हम लोगों के सामने जाते हैं, लोगों का काम करते हैं और वो काम इलेक्शन के टाइम हम लोगों को, लोगों तक हमारे भाषण के जरिए पहुंचाएंगे, ये हमें विश्वास है और इसके लिए हमने प्रशिक्षण शिविर लिया है। भविष्य में आगे और भी प्रशिक्षण शिविर ऐसे होंगे? जरूर होंगे, क्यों, इससे जरूर पार्टी को फायदा होने वाला है। अभी देखिए, नवी मुंबई कॉरपोरेशन का इलेक्शन में शिवसेना को जीत कठिन नहीं है, लेकिन उसको हम कठिन और हल्का करने के लिए ये प्रशिक्षण जरूरी था, ऐसा मुझे लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। जैसा आपने सुना कि शिवसेना का ये शिविर न सिर्फ कार्यकर्ताओं को प्रखर बनाने के लिए है, उन्हें और स्किल्ड बनाने के लिए, उन्हें उनमें कौशल, जो बोलने का, भाषण देने का जो कौशल है उसका विकास करने का है, बल्कि संगठन और पार्टी को मजबूत करने का भी, ताकि उसका फायदा आने वाले चुनाव में जीत के रूप में हासिल हो सके। निशादर जी के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 India नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 India लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।